हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी रेशम खान एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल सिल्क सेज में। और जो आज की वीडियो है वो देहरादून स्थित विकास नगर क्षेत्र के बारे में है। बताया जा रहा है कि देर शाम बुधवार को यानी कि 6 जुलाई 2023 को जब एक महिला अपने घर वापस जा रही थी तो दो लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी करी, जिसके चलते वहां पर मौजूदा कुछ लोगों ने उन दोनों लड़कों की खूब पिटाई करी और उसके बाद उन दोनों को थाना विकास नगर में दे दिया गया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात और ये न्यूज सिर्फ इतने में ही खत्म हो जाती, लेकिन कुछ लोगों को इन घटिया चीजों में भी धर्म को बीच में लाने का बेहद शौक है, जिसकी वजह से अब न्यूज पोर्टल्स में ये खबर कुछ इस तरीके से दिखाई जा रही है कि एक हिंदू महिला को दो मुसलमान लड़कों ने जब छेड़ा तो उसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने उन दोनों मुसलमान लड़कों की खूब पिटाई करी और उसके बाद उन दोनों को विकास नगर थाने में दे दिया। और जब ये बात मुस्लिम समुदाय के लोगों को पता लगी तो धीरे धीरे करके सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने थाना विकास नगर के सामने भीड़ जमा कर दी और उसके बाद उन दोनों आरोपियों को छोड़ने के लिए विकास नगर थाने के सामने अल्लाहु अकबर के नारे लगाना शुरू किया। अब बात यहाँ पर ये पैदा होती है कि किसी भी आरोपी को बचाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करना अच्छी बात है या बुरी बात है। अब मेरे ओपिनियन में अगर बात करें तो जो चीज गलत है वो गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म के इंसान ने कराओ, किसी भी जाति के इंसान ने कराओ, क्षेत्र के इंसान ने कराओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलत करने वाले को सजा तो मिलनी ही चाहिए। सबके लिए कानून एक ही है तो सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए। और इसी के चलते विकास नगर में 3 दिन का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके के दंगे फसाद और मारपीट को रोका जा सके। और इस टॉपिक को लेकर अगर कोई भी अपडेट सामने आती है तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल में और मिलते हैं आपसे आगे आने वाली वीडियोज में। तब तक के लिए बाय बाय।